तो भाई, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे होंडा नेवी के बारे में। भाई 1 साल हो चुका है इसकी सर्विसिंग नहीं हुई है, तो क्योंकि यार इतनी किलोमीटर चलती नहीं। अब जाके इसने 15,000 आज कंप्लीट कर लिया है फाइनली, तो आप आगे देखोगे मैंने इसमें दिखा दिया है। तो बात करते हैं यार कि इन 1 साल में मैंने क्या क्या इसमें देखे कि भाई इसमें दिक्कत आ चुकी है। सबसे पहले बात करें तो भाई इसके ब्रेक पैड्स, जो सबसे नीचे का पार्ट है वो सबसे मेन पार्ट है भाई, ये एकदम ख़त्म हो चुके हैं इसके ब्रेक पैड्स। इसमें अब नए डलवाने पड़ेंगे और ये पहली बार इसमें चेंज होंगे। और बात करें तो इसके टायर्स वगैरह तो अब देखो ऑलमोस्ट ठीक ही है, मतलब इस साल तो अब चल जाएंगे पूरे। और बात किया जाए तो बस शॉकर्स में इसकी थोड़ी ऑयलिंग वगैरह करवानी पड़ेगी। और रियर में भाई, रियर का तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, ब्रेक पैड्स का पूरे ख़त्म से हो गए रियर वाले तो। और बात करें तो यार इसमें एक शिकायत आ चुकी है, जो आप बताना आप लोग को भी आती है कि नहीं, इसमें इंडिकेटर के इस साइड के जो है ना, हमारे लेफ्ट साइड के जलते ही नहीं है, राइट के तो जलते हैं, लेफ्ट के नहीं जलते। और उसमें यार एक तो इसके पार्ट अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, मैंने बहुत बार ट्राई किया इंडिकेटर्स का लेकिन भाई मिलते ही नहीं है यार, बहुत दिक्कत होती है उसकी वजह से। उसके बाद और बात करें तो भाई इसका एक्सेलरेशन जो है ना पिकअप, भाई वो थोड़ा लेट सी उठाती है, पता नहीं यार एकदम थोड़ा सा माइन्यूट सेकंड का ना, तो थोड़ा अजीब सा लगता है जब चलाओ ना, आदत पड़ने की बात है बस। तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी बता दूंगा उनको, उस मैंने दिखा दिया आपको सब कुछ, आप आगे देखो वीडियो में लास्ट तक देखना, आपको ड्राइव ड्राइव करके मैं सब दिखा दूंगा। ऐसे और बात करें तो और तो कुछ नहीं भाई, बस इसमें इंजन और लोड डल जाएगा ना, उसके बाद इसकी इंजन थोड़ी साइलेंट हो जाती है, मतलब हल्की आवाज़ कम करने लगेगी। और रियर में बात करें तो भाई इसकी ये सारी लाइट्स वगैरह सब सही है। ऐसे भाई मुझे तो और कुछ इसमें लगा नहीं है, और मैं इसमें सोच रहा हूँ ना कि भाई थोड़ी मॉडिफिकेशन भी करवाई जाए, आप बताना कमेंट करके क्या मॉडिफिकेशन इसमें हो सकती है। और तो भाई और कुछ है नहीं इसमें। और यार देखो भाई कितनी गंदी हो जाती है, ये तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव खैर है, मैंने आपको वीडियोज़ में बताया। तो भाई और बताना, और मैं चलते हैं इसको ड्राइव करके एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें दिक्कत आ रही है, और जो इसमें मैंने आपको बता देता हूँ आगे चल के, खास करके ब्रेक्स को लेकर, भाई ब्रेक्स एकदम ख़त्म है। चलिए अब ड्राइव देख लेते हैं। तो भाई मैं वही बता रहा था ना, देखो पीछे का ब्रेक है ना, ये देखो कैसे आवाज़ कर रहा है, देख रहे हो, ये देखो कितने तेज़ है भाई, बहुत गंदा लगता है इस तरीके से आवाज़ करता है ना। और भाई बात करें कि मतलब क्यों आवाज़ कर रहा है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ना देखो कितने किलोमीटर ऑलमोस्ट 15,000 चलने वाली है, तो इसके ना ब्रेक पैड से पीछे का तो भाई पूरा ख़त्म है, एकदम ब्रेक ही नहीं लगता है। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, देखो ये आगे वाला तो एकदम सही रोक दे रहा है भाई, मैं पीछे वाले की बात करूँ, ये चला रहे हैं ठीक है, अब देखना मैं ब्रेक लगाऊंगा भाई, एकदम ना ढीला सा हो गया पीछे वाला। तो बात करें इंडिकेटर, देखो ये वाला मैं चला रहा हूँ ना, देखो इस साइड का चल ही नहीं रहा, इस साइड का तो फिर भी चल जा रहा है, ये देखो इस साइड का कर रहा हूँ, ये देखो चल ही नहीं रहा भाई। ये इंडिकेटर तो देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मैं तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी भाई इसको सही करवाना चाहिए, जिसके भी भाई इंडिकेटर ख़राब होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है इंडिकेटर नहीं चल रहा होता, तो भाई उसे ना जल्दी जल्दी ठीक करा लेना चाहिए। बात करें और देखो हैंडलिंग तो ऐसा सच वैसे ही है, देखो मैं चला भी रहा हूँ, बस यार थोड़े से ना वो इंजन आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि सर्विस हुई नहीं है तो सर्विस करवाना भी इसकी ज़रूरी है, तो इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। और भाई आप लोगों से कई लोग बोलते हो भाई मैं सिर्फ बाइक स्कूटीज़ और बाइक के बारे में बात करता हूँ, यार देखो ऐसे जनरली बताओ ना, तो हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बस मारुति का शोरूम है, वहाँ मैं आपको बलिनो दिखा चुका हूँ, बाकी सारी गाड़ी भाई क्या ही दिखाऊँ, वहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी गाड़ियाँ चलती है, मतलब सबने देखी होगी भाई यूट्यूब वगैरह पे, इसलिए मैंने सोचा यार कि कोई बढ़िया कंटेंट लाएंगे जब भी लाएंगे। और महिंद्रा के यार एक महिंद्रा का शोरूम है, तो वहाँ पे तो यार सबने थार और XUV700 देखी है। मैं जहाँ तक प्लान कर रहा हूँ ना कि अगर हमारे महिंद्रा के शोरूम में स्कॉर्पियो एन आ गई, तो मैं जहाँ तक उसकी वीडियो डाल दूँगा अगर बन पाई तो, अगर वो अलाउ करे, क्योंकि आजकल मैं भी सुन रहा हूँ महिंद्रा वाले अलाउ नहीं करते बनाने के लिए। तो भाई ये तो देखो ये है कुछ इसका ऐसे। और इसमें एक दिक्कत और है यार कि एक्सेलरेशन इसका बड़ा वो हो गया, मतलब पता नहीं लीड से उठाते ही गाड़ी, जैसे एक्सेलरेट करता हूँ ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा गैप सा बढ़ रहा है, तो वो भी मैं बताऊँगा। और इसके शॉकर्स की बात करें तो ठीक है, उतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस थोड़ी बहुत ऑयलिंग वगैरह करवानी पड़ेगी। और शॉकर्स से हाल दिखाऊँ इसके साथ, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है लीक कर गए इसके शॉकर्स, देख रहे हो। और भाई ये इतनी ज़्यादा गंदी होती है ना, मैं क्या बताऊँ, देख रहे हो आगे से, देखो ऐसी बारिश का मौसम हो रखा है, और यार ऊपर से ये कितनी ज़्यादा गंदी हो जाती है, अब यार थोड़ा सा कीचड़ में जाती है ना पूरे हर जगह से छींटे उठे उड़ने लगते हैं। यार मैं तो भाई होंडा वाले को बोलूँगा भाई क्या कर रहे हो यार, ये इतने बड़े बड़े तुमने वो दे रखे हैं इसके अंदर, और ये देखो भाई 15,000 बस होने वाले हैं, ये देखो 15,000 कर ही देते हैं आज वीडियो में। और ये हमारे हो गए 15,000 फाइनली टन, और इसको मैंने कितने 2016 मॉडल है, तो उस हिसाब से आप लगा लो कितने साल हो गए इसके, तो जहाँ तक है इसके 6 साल हो चुके हैं कंप्लीट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
बाकी बात करें तो भाई राइड आज भी इसकी स्मूथ है, बस ब्रेक वगैरह का मेन इशू लग रहा है जहाँ तक है। और इसका थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, हैंडल टेढ़ा है इसका, एक्सीडेंट हो गई थी इसके एक बार छोटी सी, उसके बाद ना ये होंडा वालों ने इंश्योरेंस में जाने के बावजूद ये ठीक नहीं कर पाए। और भाई एक जो सबसे मेजर दिक्कत लगती है ना, वो है कि इसका ये चोक बटन है काम ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ इसके अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे मैं रोक देता हूँ, आगे के ब्रेक्स हैं तभी ये बढ़िया से रुक रहे हैं, तो ये रुके भी नहीं। ये देखो इसके चोक ना ये खुली नहीं रहा, इससे आगे जा ही नहीं रहा है, पूरी ताकत लगा रहा हूँ उसके बाद भी। अरे भाई फोकस कर ले, फोकस ही नहीं कर रहा। ये देख रहे हो, पूरी जान लगा रहा हूँ मैं, पूरी इसके अंदर जान दे रहा हूँ, लेकिन ये खुली नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ इसके अंदर, पता नहीं भाई क्या हो गया इसके अंदर ना, ये खुल ही नहीं रहा है। ये देखो पूरी जान ले रहा हूँ, हॉर्न सही है इसका। और ये देखो ये वाली दिक्कत है ना, पता नहीं खड़े खड़े रखो फिर इनमें से बंदी हो जाती है। तो यार मैं इसमें दो तीन शिकायतें हैं जो मैं इनको बताऊंगा। और भाई इसके हेडलाइट्स बहुत ही पुअर है, मैंने पहले ही बताया है, मैं सोच रहा इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन कराने का, आप बताना इसमें क्या क्या करवा सकते हैं। एक दो मॉडिफिकेशन है, लाइट्स वगैरह तो LEDs में सोच रहा हूँ लगवा लो, पता नहीं उसका थ्रू कैसा होगा, तो अब बताना कौन सी बल्ब बढ़िया रहेगी वही मुझे बताना। और तो भाई ऐसा सच मुझे कोई वैसे दिक्कत लग नहीं रही है इसके अंदर। इसमें एक दिक्कत और थी कि इसके आगे वाले टायर से हवा जल्दी निकल जाती है, और इसमें पंचर भी नहीं है, सब कुछ सही है, वो भी मैंने उनसे बोला, वो बोलते हैं कि पता नहीं क्यों हो रहा है। तो मैं अब सोच रहा हूँ उसमें जल्द से जल्द सर्विस करवाने का, और अगली वीडियो जो इसके साथ आएगी वो सर्विसिंग की डायरेक्ट आएगी। तो गाइस कैसे लगे वीडियो ज़रूर बताना भाई, क्योंकि मैंने ना सोचा एक बार आपको बता दूँ क्या क्या दिक्कत आ रही है इसमें, और ये क्योंकि चलती नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा या तो एक साल रुक जाते हैं या तो किलोमीटर्स पे होता, तो मैंने सोचा एक साल बाद ही कराएंगे। तो ऑलमोस्ट अब से कंप्लीट हो चुके हैं 1 ईयर, मैंने लास्ट जून में कराई थी, तो इस साल मैं करवाऊँगा इसकी वापस सर्विस, और जो दिक्कत थी मैंने आपको बता दिया। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी सीरियस सर्विसिंग पे, और उसके बाद क्या इसमें मतलब फील होता है, चेंज फील होता भी है कि नहीं, 15,000 चल चुके, तो उस हिसाब से आप देख लेना क्या रेट वगैरह, मैं आपको सब बताऊँगा। तो आज के लिए तो भाई इतना ही, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाले चैनल पे, उसे सब्सक्राइब कर देना। और भाई मैं नीचे ना यहाँ पे इधर ही कहीं पे मैं आपको मेल आईडी डाल दूँगा, जिसमें अगर आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस या रिव्यू जो भी बोलते हैं उसको करवाना हो तो भाई उस पर आप मेल कर देना मुझे। तो कैसे लगे इसकी वीडियो ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।